हेलो दोस्तों, मैं पंकज और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पंकज इलेक्ट्रिक व्लॉग। आज के व्लॉग में हम दोस्तों अब बताने वाले हैं ईवी 700 के बारे में। इसका जैसे आप लोग देख रहे हैं TX शॉर्ट हो गया और मेरे पास इसका ओरिजिनल नहीं था। मेरे पास एक ईवी 650 EcoVar 650 का TX रखा हुआ था। दोस्तों मैंने पहले भी कई बार इसमें सेट किया हुआ है। आज का जो वीडियो का टॉपिक है मेनली वो भी यही है कि मैं इसमें EcoVar 650 का TX लगाने वाला हूँ। तो दोस्तों यदि आपको भी लगाना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। वीडियो बहुत बढ़िया होने वाला, रिजल्ट बहुत 100% है इसका। दोस्तों मैं ईवी 700 से भी ज़्यादा बेहतर ये वर्क करता है। तो दोस्तों इसे तो हम एक साइड में रख लेंगे और ईवी 700 के हम क्लेम खोल लेंगे इस पर से, और जो EcoVar 650 का TX है उस पर लगा लेंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसका साइज़ भी बड़ा होता है 2.5 इंची, और वो जो होता है ईवी 700 का वो 2 इंची होता है। तो रिजल्ट तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाला है और लोड कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी थोड़ी। तो दोस्तों मैंने क्लैंप खोल ली और इस पर अभी मैं लगा लूँगा। लगाने के बाद मैं सेट करूँगा पूरा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, क्योंकि इसकी मैं कनेक्शन वायरिंग आपको बताने वाला हूँ, जो मेनली वर्क वही होता है। क्योंकि यदि आपने कोई कनेक्शन वगैरह मिस कर दिया तो शायद आप इसमें प्रॉपर वर्क ना कर पाएँ। और दोस्तों किस वजह से TX ये शॉर्ट होता है वो भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जब आप इसका TX चेंज करेंगे क्या क्या आपको PCB में स्पेयर चेंज करना है। तो चलिए दोस्तों इसे फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने के बाद मैं अभी आपको वायरिंग बताऊँगा किस तरह से आपको प्रॉपर वायरिंग कर लेनी है, क्योंकि दोस्तों मेनली जो होता है वायरिंग ही होता है। TX तो कोई भी आदमी नॉर्मली चला ही सकता है। तो चलिए दोस्तों वायरिंग करते हैं। जो हम ईवी 700 में जैक लगा हुआ होता है 2 पिन का, इसमें एक टेपिंग 250 वोल्ट और 350 की होती है। और जो दोस्तों EcoVar 650 में होती हैं वो टोटल 4 टेपिंग होती हैं, न्यूट्रल 150 वोल्ट, 250 वोल्ट और लास्ट वाली 350 वोल्ट। तो दोस्तों हमें केवल इसमें से यूज़ करनी है न्यूट्रल 250 वोल्ट और 350 वोल्ट, वो आप चेक कर लेंगे। नहीं तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, एक तो वाइट वायर होता है और एक रेड वायर होता है। रेड वायर 250 वोल्ट के लिए होता है और जो वाइट वायर होता है वो 350 वोल्ट के लिए होता है। और जो येलो वायर है उसे हम बंद कर देंगे, वो 150 वोल्ट केवल EcoVar में ही वो वर्क करता है। दोस्तों यदि इस TX की पूरी जानकारी लेनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसकी प्रॉपर बना दूँगा किस तरह से वर्क करता है EcoVar 650 में। तो दोस्तों मेनली हमें 3 वायर का यूज़ करना है। न्यूट्रल को हम न्यूट्रल में जोड़ देंगे, सॉकेट पर से एक वायर हुआ होता है, और रेड और जो वाइट है वो जैक जो होता है PCB में 2 पिन का रेड और गीले कलर का इसमें जोड़ देंगे। तो दोस्तों इन्हें आप फिक्स एकदम ना करें, इस पर पहले आउटपुट वगैरह चेक कर लें, क्योंकि कभी कभी चेंज हो जाता है, 350 वोल्ट आ जाती है यदि गला जुड़ जाएगा। तो दोस्तों फ़िलहाल तो मैं वैसे ही जोड़ रहा हूँ, जब आपको टेपिंग करूँगा तो आप खुद ही उसे अच्छे से चेक कर लेंगे। तो न्यूट्रल को हम न्यूट्रल में फिक्स कर लेंगे, और ये जो सेंसिंग वायर होती हैं जो PCB में जाती है सेंस करने के लिए वो है। दोस्तों इस TX में उस TX में केवल एक फ़र्क है, उसमें जो सेंसर होता है लगा हुआ हीटिंग सेंसर, वो इसमें हम नहीं लगा सकते। दोस्तों यदि आपको हीटिंग सेंसर लगाना है, इसमें एक हीटिंग सेंसर का जैक होता है, वो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उस जैक को आप किसी भी PCB से सेंसर निकाल सकते हैं, हीटिंग सेंसर, और उसे हीट सिंक पर आप टाइट कर सकते हैं। तो ये जो दोस्तों सेंसिंग वायर है ये बिल्कुल सेम वोल्ट की होती हैं। तो दोस्तों इनमें आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें हीटिंग सेंसर TX में लगा हुआ था है। तो दोस्तों इस सेंसर में बहुत प्रॉब्लम आती है कि इसमें नहीं है। दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, आप किसी PCB में से, जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये आप सेंसर उठाकर जो ये जैक मैंने अभी आपको दिखाया है, आप हीट सिंक पर टाइट कर सकते हैं MOSFET के साथ। तो दोस्तों प्रॉपर वर्क करेगा, और यदि आप नहीं भी लगाना चाहते हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपसे वीडियो के शुरू में ही कहा था कि इसमें कुछ चीज़ें आपको मैं चेंज करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये रिले है, इस रिले को आप अवश्य चेंज करेंगे, भले ही ये ख़राब हो या ना हो। जब आप TX चेंज कर रहे हैं तो रिले को ज़रूर चेंज करेंगे, एक अच्छी क्वालिटी की नई रिले इसमें आप फिक्स कर देंगे। तो मैंने रिले को बाहर निकाल लिया, और अभी मैं इसमें रिले लगाने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि मेनली जो ये TX शॉर्ट होने का प्रॉब्लम आता है वो इस रिले की वजह से ही आता है। इस रिले को तो आप जब आपके पास कभी रिपेयर होने भी कोई PCB आए तो तब भी आप इस रिले को नहीं चेंज कर लें, कस्टमर को चार्ज आप ले सकते हैं, क्योंकि इससे जो है TX की जान बची रहेगी। ये यदि रिले शॉर्ट हो जाती है तो TX तुरंत शॉर्ट हो जाता है। तो दोस्तों मैंने ये कनेक्शन कर लिया है, और दोस्तों मुझे ये कनेक्शन चेंज भी करना पड़ा था। तो दोस्तों अभी मैं इसके आउटपुट कुछ दिखाने वाला हूँ।
आउटपुट वगैरह बिल्कुल फिक्स, बहुत अच्छी तरह से प्रॉपर वर्क करता है। मैंने भी बताया था आपको, मैंने पहले भी कई बार यूज़ कर चुका है, कोई मेरे लिए कोई नया काम नहीं है। देखते 250 वोल्ट और चार्जिंग एम्पीयर भी बिल्कुल फिक्स आएगा 15, बिना कोई हमिंग के, बिना किसी आवाज़ के, बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है दोस्तों। यदि आपको ये लगाना है तो आप इस तरह से फिक्स कर सकते हैं। मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाएं दोस्तों। एम्पीयर ये आप देख रहे हैं 15 एम्पीयर आ चुके हैं, 15 एम्पीयर बिल्कुल फिक्स आए दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट।